नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो टीचिंग पोजीशन में कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है एंड कौन कौन से नॉन टीचिंग पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ साथ सैलरी एंड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा, एज लिमिट, सैलरी एंड कितना वैकेंसीज है, उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि फुल टाइम टीचर्स के लिए सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज जिसमें हिंदी एंड संस्कृत आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है सोशल स्टडीज में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट चेक कर सकते हैं 25 to 45 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज लिमिट इज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 ईयर्स। 24,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है फॉर फुल टाइम टीचर्स। ठीक है, अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए कॉलम में चेक कर सकते हैं एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। तो अंशकालिक शिक्षिका यानी कि पार्ट टाइम टीचर्स के लिए कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर, उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट तो सेम है, 12,181 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है फॉर पार्ट टाइम टीचर्स। एंड यहाँ पे देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एज वेल एज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। चलते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रसोईया, यहाँ पे जितने भी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है सारे के सारे पूर्णकालिक है, अंशकालिक नहीं है। ठीक है, तो फुल टाइम पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जैसे कि मुख्य रसोईया हो गया जिसके लिए आपको सैलरी मिलने वाला है 8,577 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे जितने भी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है सभी के लिए क्लास 8 पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड उनका जो है जो शारीरिक अक्षमता होता है या फिर कोई संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होना चाहिए ना तो यहाँ पे कोई डिजेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है सहायक रसोईया, इसके लिए 6,433 रुपीज मिलेगा पर मंथ एंड चौकीदार चपरासी के लिए सेम सैलरी है 7,147 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे दिए गए हैं www.lucknow.nic.in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए इसके साथ दो पेजेस का ही है एंड इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट को जो है अटैच नहीं किया गया है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 6th of August एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट देना चाहिए था, बट इसके साथ हमेशा जो है अटैच होते हैं नोटिफिकेशन के साथ, बट इस बार जो है नोटिफिकेशन के साथ अटैच नहीं किया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं एक तरीका दिखा दूंगी। तो पहले लास्ट डेट चेक कर लेते हैं, लास्ट डेट जो है 21 अगस्त यानी कि 21st अगस्त शाम 5 बजे तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑफिशियल वेबसाइट पहले ही मैंने बता दिया है। चलते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, होम पेज पर चलते हैं। तो ये आपका होम पेज है मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको मिल जाएगा। देखिए व्हाट्स न्यू में आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर भी जो यहाँ पे मोर है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिस में जाकर रिक्रूटमेंट में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिक्रूटमेंट टैब ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए आपको ये वाला नोटिफिकेशन के लिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, बट एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए कैसे आप जो है डाउनलोड करेंगे, आर्काइव में आपको क्लिक करना है। तो आर्काइव यानी कि पुरानी कोई भी नोटिफिकेशन के साथ जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया जो कि 6 जुलाई को रिलीज किया गया था, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन KGVB यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिमांड किया गया है उसको फिल कीजिए एंड देन अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 21
21 अगस्त से पहले आपको सेंड कर देना है ऑफिशियल एड्रेस पर, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।